हम सभी आज जिस विशेष दिन के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस जन्माष्टमी के उत्सव पर सभी में, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे बड़े हो, सब में कितना विशेष उमंग उत्साह होता है। क्योंकि जब भी हम इस छवि को देखते हैं तो अंदर में एक खुशी कहें, आनंद कहें, उसकी अनुभूति भी होती है। लेकिन फिर ये भी प्रश्न उठता है कि इस ऐसी सुंदर छवि को बनाने वाला कौन? कृष्ण का मतलब होता है सबको आकृष्ट करने वाला, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला। तो जब भी हम कृष्ण के, श्री कृष्ण जी के, जब हम कोई भी मूर्ति देखते हैं, कोई भी चित्र देखते हैं, तो नेचुरल हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इस आत्मा ने ऐसा क्या विशेष कार्य किया जिसके कारण इस कलयुग के अंत में भी, चाहे हम यूथ की बात करें या जो भी है, तो सभी लोग इतना इसकी तरफ इतना आकर्षित क्यों होते हैं? तो आकर्षण जो होता है वो मूर्ति में नहीं है, लेकिन आकर्षण होता है उसके अंदर छिपी हुई विशेषताओं में। जब हम किसी भी व्यक्ति को याद करते हैं तो हम उसकी विशेषताओं को याद करते हैं, हम उसके कर्तव्यों को याद करते हैं। तो इस आत्मा ने ऐसा क्या विशेष कार्य किया, इसको ये शक्तियां, ये गुण कहां से मिले, ये भी प्रश्न उठता है। दूसरी बात है, कृष्ण से इतना प्यार होता है, श्री कृष्ण जैसी छवि को भी बनाने वाला कौन है? तो हमें भी अगर इसकी दुनिया में जाना है तो हमारे अंदर भी वो गुण तो होने चाहिए ना, हमारे अंदर भी वो विशेषताएं तो होनी चाहिए ना। तो परमात्मा से जब हम आत्माएं जुड़ती हैं तो हमारे अंदर वो गुण, वो विशेषताएं ऑटोमेटिक आती जाती हैं। इसलिए जब हम इस संस्था में आते हैं तो हमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि यहाँ पे कोई सत्संग नहीं होता है, यहाँ पे होता है पढ़ाई। उस पढ़ाई से हम अपने अंदर गुण भरते हैं, वो शक्तियां भरते हैं जो हमें इस श्री कृष्ण जैसी दुनिया में, इसकी दुनिया में ले जाने के लायक बनाती है। जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है, उसके लिए डॉक्टरी, डॉक्टर की पढ़ाई करना जरूरी है, MBBS करना जरूरी है। वैसे ही अगर हमें श्री कृष्ण जी की दुनिया में जाना है तो उसके लिए हमारे अंदर वो विशेषताएं, वो गुण होना आवश्यक है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें बहनें बताती हैं कि यहाँ पे हम राजयोग सिखाते हैं। राजयोग माना राजा बनने के लिए उस परमात्मा के साथ योग, उस परमात्मा के साथ कनेक्शन। अगर हम योग शब्द कहते हैं तो हम समझते हैं पता नहीं कैसे साधना करनी पड़ेगी और घर परिवार में रहते हुए हमारे लिए ये भी मुश्किल लगता है। तो योग नहीं, हम इसको साधारण शब्दों में और सिंपल करके हम इसको कह सकते हैं, परमात्मा को याद करना। तो किसी को भी याद करना सहज होता है, तो हर कर्म करते हुए जब हम उस परमात्मा को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं, मन बुद्धि में हर कर्म करते हुए जब उस परमात्मा की याद आती है तो उस कर्म में भी शक्ति भर जाती है। हमारा कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है, हमारा कोई भी कर्म विकर्म नहीं बन पाता है। क्योंकि जब परमात्मा की याद में कर्म किया जाता है तो उससे हमारे अंदर शक्तियां, गुण ऑटोमेटिक भरते जाते हैं। तो सबसे पहले हमें परमात्मा ये बताते हैं कि अपने अंदर दैवी गुण धारण करने के लिए सबसे पहले खुद को, स्वयं को जानना जरूरी है। स्वयं को जानने से ही हम उस परमात्मा के सत्य परिचय को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमने खुद को नहीं जाना, हम परमात्मा को भी नहीं जान सकते हैं। जब तक हमने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं की है, तब तक हम गॉड रियलाइजेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो खुद को जानने के लिए परमात्मा हमें यही ज्ञान देते हैं कि सबसे पहले हमें चैप्टर बताया जाता है, सबसे पहले ज्ञान का मुख्य बिंदु है खुद को आत्मा समझना। आई एम जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो जब हम खुद को आत्मा समझते हैं और उस निराकार परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी छवि और इनकी छवि मैच करने लगती है। माना हम उस दुनिया में जाने के लिए हमें डिग्री मिलने लगती है, लेकिन वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को जानने के लिए हमें सेंटर पे आके राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी बिल्कुल अलर्ट बैठ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट।
आईज क्लोज, लंबी और गहरी सांस लेंगे। बॉडी रिलैक्स, बाहर की सभी बातों से मन बुद्धि को समेटते हुए अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर एकाग्र करें। ब्रेन के बीचों बीच चमकता हुआ एक पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, इस शरीर को मैनेज करने वाली, कंट्रोल करने वाली मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, कुछ आत्मा का पिता वो परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट महसूस करें। मेरे ऊपर उस निराकार परमात्मा की सर्वशक्तियों की किरणें पड़ रही हैं, शांति पवित्रता मुझ आत्मा में भरती जा रही है। सर्व दिव्य गुणों से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं। मुझ आत्मा के अंदर उस परमात्म शक्ति से दिव्यता भरती जा रही है। मैं आत्मा उस सत्युगी श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के लायक बनती जा रही हूं। श्री कृष्ण के सबसे समीप रहने वाली, उसके साथ रास करने वाली, उसके समान गुणों से भरपूर होती जा रही हूं। मैं दैवी कुल की आत्मा हूं। शांति।